मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। अब आप तुरंत एक बार प्रश्न करेंगे कि अच्छा ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही है, पानी के अलावा कुछ और भी है क्या? पानी तो नहीं है, खाना खाते ही ये समझ में आ गया, डेढ़ घंटे बात की, लेकिन खाना खाते ही कुछ पी सकते हैं क्या? तो इसके लिए तीसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र ये है कि भोजन करने के बाद अगर आप कुछ पीना चाहते हैं तो तीन द्रव पदार्थ पिए, तीन द्रव पदार्थ। पहला द्रव पदार्थ है वो है मट्ठा, छाछ, मज्जे, तक्रम, जो भी आप दही में पानी मिला के जो मथा हुआ है और मक्खन जिसका निकाल लिया गया, ये सब तो आप पहला द्रव पदार्थ जो पी सकते हैं वो ये। दूसरा द्रव पदार्थ जो पी सकते हैं वो है दूध। दूध, दूध। और तीसरा द्रव पदार्थ जो हम पी सकते हैं खाने के तुरंत बाद वो है फल के रस, फलों के रस, जूस। फिर से दोबारा इस सूत्र को, भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है पहला सूत्र, पानी पीना है तो एक से डेढ़ घंटे के बाद पीना है दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र है कि कुछ भी पीना है भोजन के बाद तो या तो लस्सी, मट्ठा, छाछ, मजीने तक्रम, या तो दूध या तो जूस। अब चौथा सूत्र है कि लस्सी कब पीनी है, दूध कब पीना है, जूस कब पीना है, इसका भी समय है। हर समय लस्सी नहीं पी सकते और हर समय दूध भी नहीं पी सकते और हर समय जूस भी नहीं पी सकते। तो आयुर्वेद में भागवत जी ने कहा, उनके शास्त्र में शामिल है कि मट्ठा पीने का, छाछ पीने का, तक्रम पीने का समय है दोपहर का। दोपहर को भोजन के बाद आप लस्सी, छाछ, मज्जे, तक्रम आदि पी। दूध पीने का समय है शाम का और जूस पीने का समय है सवेरे का। सवेरे के समय आप कुछ खा रहे हैं मतलब सीधा सा नाश्ता है, ब्रेकफास्ट, तो आप जूस पिए। दोपहर का खाना खा रहे हैं मतलब लंच, तो आप लस्सी, मट्ठा, छाछ आदि पिए। और रात का खाना खा रहे हैं तो दूध। रात का माने शाम का, रात्रि भोजन निषिद्ध है, अशांत है। गलती से मेरे मुंह से रात निकल जाए तो उसको समझना सूर्यास्त के पहले। भागवत जी ने कहा कि सूर्यास्त से 40 मिनट पहले भोजन हो जाए तो अच्छा। तो आप शाम का खाना खाएं तो दूध पी सकते हैं, दोपहर का खाना खा रहे हैं तो आप हमेशा लस्सी और मट्ठा पी सकते हैं, सुबह का खाना खा रहे हैं तो जूस पी सकते हैं। अब कुल मिलाकर, अभी कुल मिलाकर मैंने आपको चार सूत्र बता दिए, फिर से रिपीट करता हूं ताकि आप उधर लिख लिया है आपने तो अच्छा छूट गया होगा। पहला सूत्र था खाना खाते ही तुरंत पानी न पिए, दूसरा सूत्र था खाना खाने के एक से डेढ़ घंटे के बाद पानी पिए, तीसरा सूत्र था खाना खाते ही अगर कुछ पीना है तो लस्सी, मट्ठा या जूस पिए, सॉरी लस्सी, दूध और जूस पिए। और आखिरी सूत्र अभी तक का जो है वो ये, लस्सी पीनी है, मट्ठा पीना है तो दोपहर को पिए, दूध पीना है तो शाम के भोजन के बाद पिए और जूस पीना है तो सवेरे के भोजन के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद।